पत्रिका मध्य प्रदेश के भोपाल बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं नंदिनी। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसान आंदोलन में शामिल होने 6 जून को मध्य प्रदेश पहुंचेंगे राहुल गांधी, ट्वीट कर दी जानकारी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर फिर लगा षड्यंत्र का आरोप, मंत्री पवैया बोले साजिश रच रही है कांग्रेस। साठ लाख फर्जी वोटर्स की शिकायत पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, जांच के लिए गठित की 4 टीमें। तीस फीट ऊंची बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल से गिरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मौके पर ही तोड़ा दम। सीहोर के नसरुल्लागंज में चली तेज हवाएं, 15 मिनट तक हुई प्री मानसून की पहली बारिश। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी में 6 जून को होने वाली कांग्रेस की सभा को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि 6 जून को मंदसौर में श्रद्धांजलि सभा और किसान सम्मेलन में संबोधित करूंगा। अभी तक राहुल गांधी का अधिकृत कार्यक्रम नहीं हो पाया है, पर कांग्रेस नेताओं के अनुसार वह दोपहर 12 बजे चार्टर्ड प्लेन से मंदसौर हवाई पट्टी पर उतरेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे सभा स्थल पिपलिया मंडी जाएंगे। सभा स्थल या फिर उसके आसपास ही गांधी पिछले साल गोलीकांड पर पुलिस पिटाई में मारे गए 6 किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता पीड़ित परिजन के संपर्क में हैं और क्षेत्र के एक एक नेता को एक एक पीड़ित परिवार के सदस्यों को लाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सभी सदस्यों के लिए अलग से VIP पास भी बनवाए जा रहे हैं। अशोकनगर जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों के बैनर तले कांग्रेस की आग लगाने की प्लानिंग थी, वहीं कांग्रेस किसानों की ओट में षड्यंत्र रच रही है। एवं मैं शिवपुरी से अशोकनगर तक आया हूं, मुझे कहीं भी हड़ताल और आंदोलन नजर नहीं आया, लेकिन कांग्रेस कहीं कहीं प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने खरीदे केंद्रों पर चना मसूर गेहूं उपार्जन को लेकर कहा कि किसानों की असुविधाओं को देखते हुए मैंने निर्देश दिए हैं और किसानों को कोई असुविधा ना हो यह प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही पेयजल व्यवस्था को भी लेकर मैकेनिक भी बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे एयर पंप से पानी लोगों को मिले और कोई परेशानी लोगों को नहीं होने देंगे, पेयजल के लिए परेशान नहीं होने देंगे। साथ ही ट्रामा सेंटर के 2-2 बार शुभारंभ होने के बाद भी वह चालू नहीं हो सका। इसके सवाल पर प्रभारी मंत्री किनारा करते नजर आए और उन्होंने कहा कि हमें विकास करना है, उसको हम करके दिखाएंगे। लोग रखे जाए मैकेनिक, तो पानी की किसी तरह की परेशानी न होने का ये मैंने खुद को निर्देश कहा। किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, उसको लेकर किसानों ने कहीं सब्जियां फेंक रहे हैं, कहीं दूध फेंक रहे हैं, आज ही राजपुर में विरोध हुआ है सब्जी फेंकने, राजपुर में सब्जियां, ये घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर क्या एक्शन प्लान है? देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति तो ये है कि किसान संगठनों के बैनर की ओर में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्लान है आग लगाने का किसानों में। उस आंदोलन को अंदरूनी तौर पर हाईटेक कर रखा था कांग्रेस ने, लेकिन मैं शिवपुरी से भी आया हूँ, आज अशोकनगर भी, मुझे किसान आंदोलन नहीं दिख रहा है। कोशिश हो रही है कि कांग्रेस वातावरण को खराब करे, लेकिन ऐसा कोई दृश्य हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस आदमी की चिंता आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा थी मुख्यमंत्री जी, वो वर्ग आखिर उद्वलित इस तरह नहीं हो सकता है। न्याय किया है हमने अपने किसानों के साथ, इसलिए जिस किसान आंदोलन की बात कांग्रेस कर रही है वो आंदोलन सिरे नहीं चल पा रहा है मध्य प्रदेश। तो ये जो आंदोलन है इसका क्या मानना है आपको, किसान की जगह कांग्रेस का आंदोलन? मैं तो यही मानता हूँ कि कांग्रेस रोटियां सेकने की कोशिश में थी, सेक नहीं पा रही। सर, ट्रामा सेंटर को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, आज तक ट्रामा सेंटर की सौगात नहीं मिल पाई है, क्या कारण है?
इससे दो बार उसको लेके सर गंगा जल जैसा मामला इसको लेकर कहाँ गया भैया अपने बहुत हंगामा किया दो बार उद्घाटन हुआ एक बार सिंधिया जी किया एक बार विधायक जी उद्घाटन किया आज मुझे विकास पे काम करने दीजिए सीहोर के उपचुनाव में भाजपा की लगातार हार मिलने तथा भाजपा की कमजोर हो रही स्थिति के प्रश्न को सांसद आलोक संजर टाल गए। सांसद आलोक संजर केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रेस से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गति, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, तकनीकी क्षेत्र में सुधार एवं भ्रष्टाचार कम करने सहित हर मामले में भाजपा सरकार यूपीए सरकार से बेहतर है। यूपीए सरकार ने जो विकास कार्य 60 साल में नहीं किए वह कार्य केंद्र सरकार ने 4 वर्ष में कर दिखाए हैं। इस मौके पर सीहोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष सीताराम यादव और भाजपा के जिला प्रवक्ता राजकुमार गुप्ता शामिल थे। सांसद ने कहा कि इसी दल पर भाजपा फिर से सत्ता में आएगी और राज्य व देश विकास के रथ को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों व जनहित की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 84 देशों की यात्रा कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया तथा नए देशों से संबंध स्थापित किए, जिसके चलते पाकिस्तान चीन के मुद्दे पर भारत के समर्थन में अब कई देश खड़े होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की हार से यह नहीं कहा जा सकता कि भाजपा कमजोर हो रही है। भाजपा ने नारा दिया है अब की बार 200 पार, इस सिद्धांत पर काम कर रही है, लक्ष्य को और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमको जागृत करने की आवश्यकता है। हम सॉइल के लिए ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं, तो हमारी आय दुगनी होने लगी। हमें इन छोटे छोटे पॉइंटों में जो प्रधानमंत्री जी ने कही, इसके पीछे बहुत एक गजब लोग लगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। हम किसान की आय को बढ़ा सकते हैं, अच्छी क्रॉप को दे सकते हैं। वस्तुतः हम क्योंकि किसान आता है शहर में आता है, 5 बोरी इसको यूरिया चाहिए, इतना समय में इसका खराब होता है, वो पूरे टाइम अपने घर पर रह सकता है। एक व्यक्ति जाता है प्लान करके एक ट्रक में उसकी किसानों का एक ये भी कहना है कि एक भावांतर योजना 100% नीम कोटेड यूरिया, जिसके पहले आपको याद हो सरकार के बैठे यूरिया ब्लैंक मिला करता था, किसान कई बार भटकता रहता था, उसको यूरिया नहीं मिलता। लेकिन आज खुले बाजार में यूरिया हमको मिल रहा है, वो भी नीम कोटेड। और एक बहुत बड़ा उसका कारण यह था कि कुछ व्यवसायी उस यूरिया को लेकर उससे दूध बनाने का, अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने का काम करते थे, इसलिए यूरिया की शॉर्टेज होती थी। लेकिन नीम कोटेड करने के बाद इस तरह की जो कृत्य थे उससे भी अब बचाव हुआ। कृषि बजट पर पिछली बार सरकार ने 1.2 लाख करोड़ खर्च किए थे, मोदी सरकार ने 4 वर्ष में 2.1 करोड़ खर्च किया, लगभग दुगना। ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि पिछली सरकार का और हमारा सरकार का तुलना यदि हम करें तो दुगना हमको सामने दिखाई देता। चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में फर्जी वोटर के संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 4 टीमें गठित की हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लाखों फर्जी मतदाताओं के पंजीकृत होने के आरोप लगाए थे। आयोग ने नरेला, भोजपुर, होशंगाबाद और सयोनी मालवा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची को सत्यापित करने के लिए प्रत्येक 2 सदस्यों वाली 4 टीमें बनाई है। 4 टीमें अपनी जाँच शुरू करेंगी और 7 जून तक अपनी रिपोर्ट जमा करेंगी। इन विधानसभा क्षेत्रों में एक मतदाता अलग अलग नामों के साथ साथ कई विधानसभा क्षेत्रों में सूचीबद्ध है, जिसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसकी कुछ घंटे बाद चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है। दरअसल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर राज्य की मतदाता सूची में 60 लाख फर्जी वोटर्स के नाम शामिल कराने का आरोप लगाया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है, साथ ही राज्य के 230 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची से इस तरह के सभी नामों को हटाने की अपील की है। फिलहाल चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। सीहोर में वन कर्मचारियों ने अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर तेवर तीखे कर दिए हैं। क्रमिक भूख हड़ताल के 11वें दिन कर्मचारियों ने अर्ध नग्न और अर्ध मुंडन कराकर प्रदर्शन किया। मुंडन कराने वाले में अमर सिंह रावत, राजेश शुक्ला, हरीश महेश्वरी, इकरार खान, राजेश जाटव एवं भूख हड़ताल पर आशीष श्रीवास्तव
यादव, विनय सोलंकी, ओम प्रकाश मेवाड़ा, गजेंद्र शाह के आनंद सिंह ने की। मौके पर कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष कमलेश दौरे ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे जल्द नहीं मानती तो हम आमरण अनशन करेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। भाजपा ने दर्जन भर समितियां बनाकर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोडमैप तो तैयार कर लिया है, लेकिन संगठन की अनदेखी से वरिष्ठ नेता नाराज हो गए हैं। सरताज सिंह ने कहा कि उन्होंने हमको रिटायर कर दिया है, अब उनको हमारी जरूरत नहीं। वहीं अनुप मिश्रा ने कहा कि जब संगठन के सामने इस मुद्दे पर बात होगी तो आपत्ति दर्ज कराऊंगा। जिन नेताओं को समितियों में नजरअंदाज किया गया है उनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, मुरैना सांसद अनुप मिश्रा, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, सत्यनारायण जाटिया, कमल पटेल और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शामिल हैं। समितियों के जरिए भाजपा संगठन ने 80 से ज्यादा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिनमें वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद और विधायक का नाम शामिल है। प्रबंधन समिति की 3 बैठकों के बाद फाइनल हुई सूची के सामने आते ही कई नेता नाखुश हो गए हैं। नेताओं की भाषा में तल्खी तो नहीं थी लेकिन नाराजगी साफ झलक रही थी। सीहोर में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में विकास यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कई स्थानों पर पहुंची विकास यात्रा के तहत कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। इस दौरान नागरिकों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी गई। विकास श्रृंखला के अंतर्गत विकास यात्रा के माध्यम से नपा अध्यक्ष अमिता जसपाल अरोरा ने स्थानीय पार्षदों के साथ वार्ड 6 सिंधी कॉलोनी स्थित ग्राउंड पर पार्षद हर्षा दिनेश कटारिया पर नागरिकों की मांग पर 13 लाख की लागत से पार्क निर्माण का भूमि पूजन किया। वार्ड 15-13 के राजौरिया मोहल्ला से लेकर वंशकार मोहल्ला चौराहे और साईनाथ मंदिर से टंकी चौराहा से माता मंदिर चौराहे तक लाखों रुपए की लागत से निर्मित डामरीकरण सड़क का लोकार्पण पार्षद कमलेश राठौर, पार्षद अर्जुन राठौर की उपस्थिति में किया गया। वार्ड 29 दांगी कॉलोनी से पेट्रोल पंप से छागरिया चौराहे पर रोड बनाया जाएगा। दांगी कॉलोनी की संपूर्ण गलियों में 50 लाख की लागत से डामरीकरण कराया जाएगा। निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है। सीहोर में किसान मजदूर संघ ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में खेती करना घाटे का सौदा है, क्योंकि वर्तमान समय में बिजली, खाद, बीज, डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, जिसके कारण खेती करना आसान नहीं है। उल्लेखनीय है कि देश के 130 किसान संगठनों द्वारा एकजुट होकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष महेश पटेल व प्रहलाद भगत जी ने बताया कि जिले के किसानों द्वारा गांव में किसान समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही किसानों द्वारा सब्जी, फल, दूध, अनाज आदि खाद्य सामग्री मंडियों में नहीं बेचकर शांतिपूर्ण रूप से सहयोग दिया जा रहा है। संगठन द्वारा 6 जून को मंदसौर में मारे गए किसानों के सम्मान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम व 10 जून को शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का आह्वान किसानों से किया जा रहा है। संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों और मजदूरों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होने की अपील की जा रही है। सीहोर में आपसी मतभेद ने पति पत्नी के बीच इतना जहर घोल दिया कि उनको अलग होने पर मजबूर होना पड़ा। पत्नी पति का घर छोड़कर मायके आ गई थी। बीच में मनमुटाव दूर करने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बन सकी। बता दें कि परामर्श केंद्र में 16 प्रकरण रखे गए थे, इसमें 12 उपस्थित हुए। 2 प्रकरण में ही समझौता हो सका। यह प्रकरण वह थे जिसमें आपसी मतभेद और छोटी मोटी बातों को लेकर विवाहितों ने पति का घर छोड़ दिया था। कई महीनों से मायके में दिन काट रही थी। मामला थाने से होकर अदालत और परामर्श केंद्र तक पहुंच गया। परामर्श केंद्र में पति पत्नी समिति के सामने उपस्थित हुए तो उनको कई अहम बात बताई गई। दंपति को बताया कि ऐसी बात सामने आना कोई नई बात नहीं है, इसे कभी गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। यह बात उनकी समझ में आई तो लंबे समय से चल रहा मनमुटाव चंद मिनट में ही समाप्त हो गया। आखिरकार परामर्श केंद्र उनके लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आया और समझौता करा दिया। इसके बाद पत्नी पति के साथ खुश होकर लौट गई। सीहोर में 2 साल पहले शहर में बने बारिश के हालात के चलते मुख्य नाले पर अतिक्रमण हटाया गया तो 2 साल पहले 8 और 9 जुलाई को भारी बारिश के बाद आधे शहर में बाढ़ के हालात बने थे। बाढ़ की मुख्य वजह शहर के बीचों बीच बहने वाले करीब 3 किलोमीटर के नाले पर हुए अतिक्रमण को जिम्मेदार माना गया। अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में दायर याचिका के बाद 328 मकानों को चिन्हित कर
21 फरवरी से जिला प्रशासन ने टाउन हॉल से लेकर कस्बा क्षेत्र तक सीतू नाले व सहायक नाले पर बने 400 से अधिक अतिक्रमण हटाए जाने की मुहिम शुरू की थी। अब तक मुख्य नाले से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, लेकिन इंग्लिशपुरा क्षेत्र के सहायक नाले से अतिक्रमण अब तक नहीं हटाया गया है। क्षेत्र के धर्मेंद्र कुशवाहा ने बताया कि नाले पर अतिक्रमण के कारण पिछली बार हालात बेकाबू हो गए थे। कई लोगों के घरों में बारिश का पानी भरने से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। क्षेत्र के लोगों ने अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर शिकायत भी की थी। इधर सीवन नदी की स्थिति भी ठीक नहीं है। शिवम शर्मा, मनोहर भिलाला, विक्रम मेवाड़ा का कहना है कि सालों से नदी में मिट्टी और गाद जम जाने के कारण नदी उथली हो गई थी। इससे नदी में भी जल भराव क्षमता कम होने लगी थी। प्रशासन को नदी पर भी ध्यान देना होगा। अगर नदी के गहरीकरण और दोनों किनारों के आसपास बना अतिक्रमण हटा दिया जाए तो आने वाले समय में बाढ़ जैसी स्थिति से काफी हद तक राहत मिल सकती है। 2 साल पहले आई बाढ़ के कारण क्षेत्र के लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा था। इस नाले को अतिक्रमण मुक्त करने अब तक कोई अभियान नहीं चलाया गया। पहले तोड़ो अब निर्माण को लेकर थमाए नोटिस नाले से अतिक्रमण हटाने के बाद नगर पालिका ने 330 के करीब लोगों को नोटिस जारी किया है। सीहोर जिले के बुधनी तहसील के ग्राम खेरी सिलगहना में लगी आग से गांव के 22 परिवारों के गृहस्थी की सामग्री व कृषि उपकरण जलकर राख हो गए। गांव के तुलाराम साहू, आशाराम चौहान, काशीराम चौहान, कैलाश सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, महेश आदिवासी, महेंद्र चौहान, लक्ष्मी चौहान, विशाल साहू, कमलेश साहू, प्राण सिंह चौहान, राधाराम चौहान, राजू आदिवासी, पवन आदिवासी, राम सेवक विश्वकर्मा, शिवल श्याम आदिवासी व रेशम आदिवासी आदि ग्रामीण हैं, जिनके घर में लगी आग से गृहस्थी की सामग्री व कृषि उपकरण जल गए। आग की लपट से घर व गृहस्थी का सामान गवा चुके गांव के तुलाराम साहू व श्याम आदिवासी ने चर्चा के दौरान बताया कि गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। ऐसे में परिवार के बच्चे व महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। बुद्धि के तहसीलदार अशोक शर्मा ने बताया कि खेड़े सिलगहना गांव में लगी आग से हुए नुकसान का प्रकरण तैयार कर लिया गया है। शीघ्र ही पीड़ितों को शासन की ओर से सहायता मुहैया कराई जाएगी। राजधानी भोपाल में छत्ती बाउंड्री वॉल के पास खड़े होकर फोन पर चैटिंग कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की करीब 30 फीट ऊंची बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। पास खड़े दोस्त से बात करने के लिए जैसे ही वो पलटा तभी अनियंत्रित होकर छत से नीचे गिर गया। शनिवार देर रात यह हादसा उसके दोस्त के गौतम नगर स्थित किराए के मकान में हुआ। गोविंदपुरा पुलिस ने मर्म कायम कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि समीर हाइट्स कोलार रोड निवासी देवेंद्र हिंगवासिया रातीपर प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक और राज्य कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष हैं। उनका 25 वर्षीय इकलौता बेटा शांतनु हिंगवासिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। शांतनु शनिवार शाम गौतम नगर में दोस्त अमन सिंह के पास जाने का कहकर घर से निकला था। अमन दूसरी मंजिल पर किराए से रहता था। शांतनु ने अमन और रायपुर से आए दोस्त पुष्पेंद्र कुमार पांडे के साथ मिलकर रात करीब 1:30 बजे तक पार्टी की। इस दौरान अमन खाना बनाने गया और शांतनु और पुष्पेंद्र छत पर चले गए। पुष्पेंद्र छत पर लेट गया जबकि शांतनु फोन पर चैटिंग करते हुए छत की 2.5 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल के पास खड़े होकर बात करने लगा। इसी दौरान वह लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। सरकार की समाधान योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। प्रदेश के 16 लाख किसानों में से मात्र 59,000 ने ही इस योजना का लाभ दिया है, जबकि 5 लाख किसानों ने 15 जून तक कर्ज लौटाने का सहमति पत्र दिया है, जबकि तकरीबन 11 लाख किसानों ने इसे किनारा किया है। कटनी, शाजापुर, झाबुआ और देवास जिले में किसानों ने पुराना ऋण चुकाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई है। दरअसल किसानों को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के चलते राज्य सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह अपना कर्ज माफ कर देगी। इधर सरकार की परेशानी है कि यह चुनावी साल में डिफॉल्टर किसानों से कर्ज वसूली का भी अभियान नहीं चलाया जा सकता। इधर सरकारी बैंकों में पैसा वापस न आने से उनकी स्थिति बिगड़ रही है। 1 से 10 जून तक चलने वाले किसान आंदोलन में भी कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा है। ऐसे में सरकार ने हाल फिलहाल डिफॉल्टर किसानों से वसूली रोक रखी है। प्रदेश को पेट्रोल 41 रुपए लीटर मिलता है। इस पर करीब 42.83 रुपए टैक्स लिया जाता है। इसमें से प्रदेश सरकार के खजाने में 23.15 रुपए और केंद्र सरकार के पास 19.48 रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में जाते हैं। प्रदेश सरकार चाहे तो अपने स्तर पर टैक्स में कमी कर सकती है, लेकिन स्थिति इसके उलट है। देश में सबसे ज्यादा 28% वेट मध्य प्रदेश में लगता है। अब सारी उम्मीदें जीएसटी पर टिकी है।
जीएसटी आता है और कोई दाव पेश नहीं लगाए गए तो मौजूदा कीमतों के हिसाब से प्रदेश में 83.92 रुपए के पेट्रोल में 24.48 रुपए की सीधी कमी आ सकती है। अभी प्रदेश सरकार 1% सेस और 4 रुपए अतिरिक्त कर भी लगाती है। प्रदेश को इन सभी से करीब 9,350 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है। केंद्र व पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल की कीमतों में घटबढ़ के लिए क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय दामों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमतों को देखें तो केंद्र से मिलने वाला पेट्रोल 41 रुपए की बजाय 35 रुपए प्रति लीटर से नीचे होना चाहिए। मध्य प्रदेश खुद 20 रुपए तक कमी कर सकता था, इससे पेट्रोल के दाम 55 रुपए प्रति लीटर तक लाए जा सकते थे। मई 2014 में क्रूड ऑयल $111 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.2 रुपए व डीजल पर 3.46 रुपए प्रति लीटर थी। मई 2018 में जब क्रूड ऑयल $77 बैरल हो गया तो इसमें कमी लाई जा सकती थी। ड्यूटी बढ़कर पेट्रोल पर 19.48 रुपए व डीजल पर 15.33 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। इसी तरह प्रदेश सरकार ने 2014 की तुलना में 2018 तक प्रदेश ने 4 रुपए अतिरिक्त कर व 1% सेस लगा दिया, साथ ही 27% वेट को बढ़कर 28% कर दिया। अशोकनगर के ग्राम राजपुर में किसानों ने हड़ताल के चलते अपनी सब्जियां सड़कों पर फेंक दी। रायपुर में सोमवार को हाट बाजार का दिन था। हाट में बड़ी संख्या में किसान सब्जियां लेकर पहुंचे थे। किसानों ने सरकार के प्रति नाराजगी दिखाते हुए हड़ताल का समर्थन किया और अपनी लाई हुई सब्जियां सड़कों पर बिखेर दी। सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू भट्टा सहित अन्य सब्जियां सड़कों पर फेंकी। सब कर रहा है पत्रिका मध्य प्रदेश के भोपाल बुलेटिन में आज इतना ही। पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।